पीछे तुमसे हो गया है प्यार, अब क्या करूं। हाँ मैं तन्हा और मैं बेकरार, अब क्या करूं। सोच रही थी कि जान आपकी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, कोई नई क्रीम यूज की है? नहीं नहीं, मेरी स्किन ऐसी है, बहुत अच्छी है। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज आप, कमाल हो गया। थैंक्स। इसमें क्या कह रही थी? हाँ मैं सोच रही थी कि जान डिनर पे गए बहुत अरसा हो गया, कब चलें? आज ही चलते हैं। नहीं आज तो बहुत जल्दी है, अगले हफ्ते चले जाएंगे। जब तुमने मुझे डिनर पे लेके नहीं जाना था तो पूछा क्यों? वो मैं कह रही थी कि जान जी देखो बंदर डांस कर रहा है। तो मेरी बात क्यों काट रहे हो? जुबान जो नहीं काट सकता। क्या? मैं कह रहा था कि आपने कौन से कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, और ये देखो अब दूल्हे की एक्टिंग कर रहा है बांदर। तुम भी कभी इंसान की एक्टिंग कर लिया करो, इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही थी मैं, भुला दिए तुमने। यस, कोई बात नहीं। हाँ याद आया मुझे, मैं कह रही थी कि सोफा बहुत पुराना हो गया, नया ले लेते हैं। यकीन था मुझे, मुझे यकीन था कि जरूर कोई खर्चे वाली बात करोगी। और मुझे भी यकीन था कि तुमने आगे से कोई ना कोई कंजूसी ही झाड़नी है, कभी मेरे आइडियाज को अप्रिशिएट मत करना। ओह वाह वाह, क्या आइडिया है आपका, कहां से सोच लेती हो इतने जीनियस आइडियाज? आइंस्टाइन को भी तुमने शर्मिंदा ही कर दिया। आइंस्टाइन इतना फारिग नहीं बैठा हुआ कि वो मेरी बातों पे शर्मिंदा होता रहे। तुम्हें पता भी है कौन है आइंस्टाइन? तुमने मुझे क्या समझा हुआ, मुझे सब कुछ पता है। आइंस्टाइन वही है ना जिसको अभी ऑस्कर मिला है बेस्ट एक्टिंग के लिए। मौला मुझे उठा ले। आमीन। इन्होंने हमें उठाया है, आप इनको उठा लें। इन्होंने सलीम भाई मैंने क्या किया? यार तुम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो, बंदे को कोई एहसास करना चाहिए कि दो बुजुर्ग आराम कर रहे हैं। यार ये तो गलत बात है। हाँ वैसे तू सही कह रहा है, एक बुजुर्ग और एक यंग बॉय आराम कर रहा है। और नहीं गलत बात ये है कि हम हर वक्त थोड़ी लड़ते हैं। हाँ वैसे बीच में ब्रेक आता है आधे पौने घंटे का। और वैसे भी ये हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है, ये तो हमारे प्यार का एक अंदाज है ना। जी नहीं जुनैद, ये किसी तरह का प्यार नहीं है। हद होगी, तुमने बुजुर्ग के सामने बेइज्जती कर दी है। फिर शुरू हो गए। सुनिए तुम्हें थोड़ा ख्याल है, सलीम भाई के सामने थोड़ा लिहाज करना चाहिए। तो तुमने लिहाज किए? काशिफ साहब मैंने आपकी रिपोर्ट चेक की हैं, माशाल्लाह सब कुछ सही है, आप फिट टू ट्रैवल हैं। आप भी सोच रही होंगी कि लोग ट्रैवल करने से पहले गाड़ी चेक कराते हैं, मैं अपने आप को चेक करा रहा हूँ। नहीं आई कैन अंडरस्टैंड, वैसे अच्छा होता है चेक करवा लेना, स्पेशली जब इंजन थोड़ा पुराना हो जाए। दरअसल मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ, वो चाइना बॉर्डर के पास ना होटल खरीदने लगा हूँ। गुड लक। आप भी कभी चक्कर लगाइएगा। मुझे चीनी नहीं पसंद। डाइटिंग भी होंगी ना? जी। डॉक्टर साहब मुझे एक प्रॉब्लम है, सोने के बाद प्यास बड़ी लगती है। तो पानी पीकर सोया करें ना। पी के ही सोता हूँ जी, फिर भी लगती है। ओह अच्छा अच्छा, एक सेकेंड जरा फोन आ रहा है। हेलो, यस दिस इज डॉक्टर आयशा। ओ सलीम, मैं इस वक्त ना बिजी हूँ जरा, मेरे साथ पेशेंट है। अब आप पेशेंट्स के साथ घूमने फिरने भी लग गई हैं? क्लिनिक पे हूँ। अच्छा, मैं आया था तो कंपाउंडर ने कहा कि आज आप छुट्टी पे हैं। वो आपको टाल रहा होगा। कितनी गलत बात है, मैं तो उसके लिए चने और मकई भी लाया था। ना लाया करें, उसको नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वो तो उसने बड़ी खुशी खुशी रख लिए थे। अच्छा खैर छोड़े ना, आप वापसी पे इधर आएंगी ना? नहीं आज वैसे थकावट है। तो इधर आके रेस्ट इन पीस कर लें। क्या मतलब, सुकून से रेस्ट कर लेना, आज बिरयानी भी पकी है। बिरयानी? नहीं मैं नहीं आ रही। साथ पुदीने की चटनी आप लेती आइएगा। नहीं सलीम थैंक यू। अच्छा चटनी मैं ले आऊँगा, आप बस आ जाएं। नहीं सलीम मैं अभी ज़रा बिजी हूँ, बाद में करती हूँ। सॉरी पेशेंट था। कोई बात नहीं जी, मुझे तो खुशी हुई है कि आप मेरे अलावा भी किसी को डांटती हैं। ओए, तू छुप छुप के बातें किससे कर रहा था? किसी से भी नहीं। यानी अपने बाप से सफेद झूठ बोलेगा? मैंने खुद सुना है तुझे छुप छुप के बातें करते हुए। मैं बातें कर रहा था लेकिन छुप के नहीं कर रहा था। ओए, क्या जमाना आ गया है, यानी सरेआम लड़कियों से बातें करते हैं छुप के। पापा अगर आपने सारी जिंदगी लड़कियों से छुप के बात की है तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वैसा ही करूं। तेरी दीदों में शर्म हो तो बात करेगा। दीदों? ये कौन है? नजरों को कहते हैं अकल के अंधे। अच्छा बहरहाल मैं आयजा से बात कर रहा था,
और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं आयजा से प्यार करता हूं, और मैं छुप के बात नहीं कर रहा था, सरेआम बात कर रहा था। मैं आयजा से प्यार करता हूं, और ये बात मैं चीख चीख के चौक पे खड़ा होकर भी कह सकता हूं। जाहिर है तुम्हारा मुस्तकबिल भी यही है कि तुम चौक में खड़े होके जोर जोर से पुकारोगे, बड़बड़ 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 करोगे, पैसे मांगना शुरू कर दोगे। पैसे मैं मांग लूं शायद, लेकिन ये बड़बड़ 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 बड़ नहीं करूंगा मैं। तुम्हारी उम्र के लोगों के बच्चों की भी शादी हो गई है और तुम अभी तक फोन पे छुप छुप के बातें कर रहे हो लड़कियों से। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं छुप के बात नहीं कर रहा था, मैं सरेआम बात कर रहा था, और मैं करूंगा आयजा से सरेआम बात, क्योंकि आयजा के प्यार ने मुझे एक खास ताकत दी है। ताकत दी है, अकल नहीं दी। अरे तुझसे वो शादी नहीं करेगी, तू बात तो क्यों नहीं समझता? पापा आप कहते हैं ना कि आजकल कुछ खालिश नहीं मिलता। दुनिया कहती है, दुनिया कहती है ना कि खालिश नहीं मिलता, लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, मेरा प्यार खालिश है। मैं आयजा से सच्चा प्यार करता हूं, और आयजा अगर मेरे से शादी करती है या नहीं करती, मेरे प्यार में इससे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक मर्द हूं, और मर्द में एक खास किस्म की ताकत होती है। मर्द सच्चा प्यार करता है, वो अपनी जुबान पे कायम रहता है, वो ऐसे सीना तान के खड़ा होता है, और मर्द ध्यान से आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम वाला आया 20 रुपए दे दें। मर्द ध्यान से बात सुनता है, आइसक्रीम वाला आया, सादी ध्यान उधर चला गया। 20 रुपए तो दे दें। उफ अल्लाह, ये कुछ पेशेंट्स भी ना इंसान की पेशेंस का टेस्ट ले लेते हैं। टाइम क्या हो रहा है? बैग, ये किसका बैग है? इतने ज्यादा पैसे, क्या करूं, रख लूं? यार आयजा का जरा दिल नहीं करता मेरी शक्ल देखने को। आयजा क्या, हमारा भी नहीं करता। जुनेद तमीज। जी जान। यार जुनेद तुझे क्या लगता है कि आयजा मेरे से शादी नहीं करेगी? दोस्त क्या हो गया, मायूसी की बातें ना कर। तो यानी तुझे लगता है कि कर लेगी? हाँ, इसका अच्छा खासा चांस मौजूद है। रियली? हाँ, जब आयजा 70-80 साल की हो जाएगी और उसका दिमाग बिल्कुल फारिग हो जाएगा, तो फिर वो तुझसे शायद शादी कर ही ले। तेरे जैसे दोस्त होते हैं जो वलीमे के दूसरे दिन लड़की बन के फोन करते हैं और मियां बीवी की लड़ाई करा देते हैं। मेरे जैसे नहीं होते, वो मैं ही था। बड़ा हंस रहा है ना, तो मिल गया ना सिला उसका। सलीम भाई, मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ और समझ भी रही हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखें तो नीची थी। शादी के बाद बीवी के नाक कान आंखें एंटीने बन जाते हैं और हर वक्त शोहर के सिग्नल कैच करते रहते हैं। अच्छा, तो कमाल है, फिर भी सबा को पता नहीं चला कि आजकल तू किसी से व्हाट्सएप पे बातें कर रहा है। बकवास बंद करो। जुनेद, मुझे शक तुम पे पहले ही था, अब तो कंफर्म हो गया, आज तुम्हारी खैर नहीं। चला पता, बाहर जाके देख जान, मैंने कुछ नहीं किया। रियाजा जी आप? सॉरी मैं बगैर बताए आ गई। कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपका सरप्राइज देना। मैं कब से बेल बजा रही हूँ और आप हैं कि दरवाजा ही नहीं खोल रहे। बंदे को आते आते थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, इतनी बेकरार थी मुझे देखने के लिए। हाँ थी मैं बेकरार। ओके, अंदर आने के लिए। वैसे सलीम, आप मुझसे कोई नॉर्मल बात नहीं कर सकते? हर बात में रोमांस डालना जरूरी होता है क्या? वो जी, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ आपसे नॉर्मल बात करने की, मगर आपकी शक्ल देख के मुंह से रोमांटिक बात ही निकलती है। हाय, वो तो सब सही है, लेकिन मैंने ना आपसे एक सीक्रेट शेयर करना है। सीक्रेट? हाँ, और मेरे यार आपके दरमियान में रहे। आयजा मुझे पता है आप बहुत शर्मीली हैं, और मुझे पता है कि आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं लोगों के सामने आपसे अपने प्यार का इजहार करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता, मेरी शक्ल पे आ जाता है, मेरे घुटनों में आ जाता है, मेरे कंधों में आ जाता है। कंधों में? जी, मेरे नॉर्मल कंधे ऐसे होते हैं और जब प्यार वाले होते हैं वैसे होते हैं। उफ सलीम, आप मुझसे नॉर्मल बात क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मुझे एक बात बताएं, क्या ये नॉर्मल है कि इस वक्त मेरा दिल मचल रहा था आपको देखने के लिए और आप खुद ब खुद आ गई? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बड़ी एबनॉर्मल सी बात है। इसका मतलब है कि मेरे और आपके बीच में कुछ है। ओ, बस भी करें, प्लीज अंदर चलते हैं, मुझे बहुत प्यास लग रही है। लेट्स गो। तीसरा ग्लास। अब पता लगा कि पाकिस्तान में पानी की कमी क्यों हो रही है।
जुनैद, यानी कि मूड ठीक हो गया? सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं तुमसे नाराज हूँ। आयजा जी, ये बैग में क्या है? जितनी घबराई हुई है लगता है बैंक लूट के आई है। मैं तुम्हें चोर लगती हूँ? जी। क्या आपने मेरा दिल चुरा लिया ना? नहीं आयजा, तुम परेशान मत हो, मुझे पता है कि मेरी दोस्त कभी चोरी नहीं कर सकती। लगता है आयजा जी बैग में कपड़े लेने आई हैं, उनका मूड लग रहा है कि दो तीन दिन इधर ही रहेंगी, तो ठीक हो गया ना? तू ऐसा करें कि तू इधर सोफे पे सो जाएंगी और आयजा जी सभा के साथ सो जाएंगी। मुझे वैसे लग रहा है कि आज सोफे पे ही सोना पड़ेगा। दोस्तों, आज जल्दबाजी में ना मुझसे हरकत हो गई है, प्लीज़ मुझे बताओ मैंने सही किया या गलत। तुम कहीं बिल्ली के बच्चे को गाड़ी मार के तो नहीं भागी? अगर तुमने ये किया तो फिर बहुत गलत किया है। हाँ, अगर ये बात है तो तुम्हें चाहिए था कि रुक के उसको 100-200 रुपए दे आती इलाज के लिए। बिल्ली के बच्चे को? हाँ, वैसे बच्चे को नहीं देने चाहिए पैसे, उसने गुम कर देने थे, उसकी माँ को देने चाहिए थे। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग, मेरी भी तो सुनो। हाँ बोलो। मैं देख के आता हूँ। हाँ आयजा, हमारी फजूल बातें तो तुम्हें पसंद नहीं, अब अपनी कर लो। गेट पे बैग का मालिक तो नहीं आ गया? ऐसा बोलो, पुलिस ही ना ले आया। रुके सलीम। सलीम के कदम आज तक किसी के लिए नहीं रुके आयजा। प्यार के लिए भी नहीं? नहीं, प्यार के लिए थे जी, मैं सांस भी रोक लूंगा, लेकिन एक मसला है, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक सकता क्योंकि मेरा पेट फूल जाता फिर। जितना आपका पेट फूला हुआ है ना, लगता है 1 महीने से सांस रुका हुआ है। जी सांस का तो इतना मसला नहीं है, लेकिन खाना कंट्रोल नहीं होता जी, प्यार में बहुत भूख लगती है ना। आप तो कहते हैं डिप्रेशन में भूख लगती है। नहीं जी, डिप्रेशन में भी लगती है, खुशी में भी लगती है, गम में भी भूख लगती है, गर्मी में भी भूख लगती है। अच्छा अच्छा, बस बस बस, आपने ना बाहर का दरवाज़ा नहीं खोलना। चले, मैं दरवाज़ा नहीं खोलता, मैं पीछे की साइड से चला जाता हूँ। नहीं, आप इधर ही रहें। देखा ना, आपका दिल नहीं कर रहा कि मैं जाऊँ, आप मुझे अपनी नज़रों से दूर कर ही नहीं सकती। अब ये प्यार नहीं है तो और क्या है? ये खुशफहमी है। अच्छा चलें, छोड़ें, आप मेरे साथ अंदर चलें, बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं। पता नहीं कौन फजूल सा आदमी है गेट पे। फजूल आदमी है तो फिर पापा से मिलने आया होगा। छोड़ें उसे। नहीं नहीं नहीं, वो केबल वाला होगा, मैंने कल कंप्लेंट करवाई थी ना। आप मुझे छोड़ के केबल वाले के पास जा रहे हैं? नहीं जाता जी, लेकिन देखिए ना, ये बेल बजती जा रही है, जाना तो पड़ेगा ना। सलीम, मैं आपको खोना नहीं चाहती, हो सकता है कोई चोर डाकू हो। चोर बेल बजा के तो नहीं आएगा ना? मैं भी तो बेल बजा के आई थी जी। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है बेल बजा के तो मैं आई थी, लेकिन अगर आपको मेरे कोई खिलाफ करे, आपको कोई कहे कि आयजा चोर है, तो आप यकीन कर लेंगे? जाहिर है। क्या? जाहिर है कि नहीं करूँगा आयजा जी, क्या हो गया आपको? आयजा जी, जितनी आपकी शक्ल खूबसूरत है ना, आपको पता है आपका दिल भी उतना ही अच्छा है, आप चोरी कर ही नहीं सकती। बंदे का आजकल पता थोड़ी ना चलता है। नहीं, लेकिन पता करने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। आप टेंशन ना ले, मैं हूँ ना, मैं जाता हूँ। क्या हरकत की आपने आयजा? सॉरी, गलती हो गई। इंसान इतनी मेहनत से पैसे कमाता है, आपको कोई कदर ही नहीं है। मैंने नहीं इतना सोचा था। अपना फोन आप क्लिनिक के बाहर गिरा आई हैं। क्या? हाँ, इतना शरीफ चौकीदार था बेचारा, घर देने आया है, ये ले। थैंक गॉड। गया तुम्हें? नहीं अंकल। उफ, नहीं यार, कोई लड़कों के अलावा भी तो बात हो सकती है। हुई तो नहीं वैसे आज तक। मैं तुम्हें बताना था कि एक नोटों से भरा। किसको भर दिया है नोटों से? लोटो नहीं, नोटों से। किसको भर दिया है नोटों से? जुनैद जाओ यहाँ से, हम अपनी प्राइवेट बात कर रहे हैं। तुम्हें अंदाजा है जुनैद कि जब दो लोग प्राइवेट बात कर रहे होते हैं तो उनके बीच में आना किस कदर बदतमीजी की बात है? हाँ मुझे है अंदाजा, लेकिन मैं हूँ बदतमीज, अब मैं क्या करूँ? जुनैद, can you please excuse us? जाओ। Okay, excuse किया, बोलो क्या बोल रहे? जुनैद, वो कहना चाह रही है कि तुम जाओ यहाँ से। यार मुझे बता दो ना सीक्रेट, मैं बहुत अच्छा सीक्रेट कीपर हूँ। जी नहीं, मुझे पता है तुम्हारे पेट में कुछ नहीं रहता। हाँ वो आजकल जरा खराब है, ज्यादा समोसे खा लिए थे। उफ, जुनैद, you are so disgusting, अब जाओ यहाँ से। जुनैद, आप जाओ यहाँ से। जान, तुमने मुझे आप कहा? आप तो मुझे तभी कहती हो जब यहाँ तो गुस्से में होती हो या फिर इज्जत से। इज्जत से नहीं कहा मैंने। जान, अब जाने भी दो गुस्सा। जुनैद, आपको नहीं जाना यहाँ से? ठीक है मत जाओ, हम चले जाते हैं यहाँ से। आयजा, पैसों से भरा बैग। ओह आयजा, पैसों से भरा बैग। हाँ ना, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। आयजा,
तुम्हें पता होना चाहिए ऐसे मौकों पे क्या करते हैं। मालिक की तलाश नहीं, शॉपिंग। अब देखो किस्मत ने तुम्हें इतना बड़ा गिफ्ट दिया है तो किसी का गिफ्ट वापस तो नहीं करते ना। हाँ लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो तुम लालची भी नहीं हो, मतलब तुम इस तरह के इंसान तो नहीं हो जो पैसों पे सांप बन के बैठ जाए। हाँ नहीं हूँ। नहीं तो फिर इस्तेमाल करो ना, अगर तुम्हें पैसे मिले तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि खुद भी खर्चो और दूसरों को भी दो। गरीबों को नहीं, दुकानदारों को, ताकि उन बेचारों की भी रोजी रोटी चलती रहे। हाँ मैंने सुना है कि लॉन की ड्रेसेस पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। उनके कपड़े नहीं बिके होंगे ना तभी उन्होंने सेल लगाई है। अब हमें चाहिए कि हम जाके उन गरीबों की मदद करें और लेटेस्ट डिजाइन खरीदें। हाय थैंक यू सबा, मैं तो बहुत गिल्टी फील कर रही थी, लेकिन तुमसे बात करके लग रहा है मैं तो कोई नेकी कर रही हूँ। हाँ बस मैं क्या करूँ, मेरे दिल में लोगों के लिए दर्द ही बहुत। हाँ लेट्स गो शॉपिंग, लेकिन उससे पहले ना ये बैग किसी सेफ जगह पे रख दो। कहाँ रखूँ इसे मैं, आ गई समझ कहाँ रखना है। वाह वाह जुनैद, वाह वाह। वाह वाह जुनैद नहीं, वाह वाह जुनैद। हाँ वही वही, मैं सुबह का सोच रहा था कि क्या खाया जाए, तेरी शक्ल देख के याद आ गए। क्या कद्दू? और आपको देख के ना करेले जहन में आते हैं। जहन में ही आते हैं ना, कभी प्लेट में तो नहीं आए। क्या मतलब? वो तो मेरा किराएदार है, तो बंदा कोई घर में अच्छी चीज बनाता है तो प्लेट में सजा के मालिक मकान को देता है। क्या बताऊँ आपको विकी अंकल, मेरी बीवी के जहन में तो हर वक्त शोहर की बेइज्जती पकती रहती है, और कोई डिश नहीं पकती। वो तेरी बीवी के नहीं, सारी बीवियों का यही है। क्या चीज़ है शादी, क्या मुसीबत है ये? मैं तो एक कान से सुनता था दूसरे से निकाल देता था। आप तो कर सकते थे, लेकिन मेरे दो कानों के बीच में दिमाग भी है ना। तूने एक सीन में दो जुगते मारी हैं, अगर तीसरी मारी ना तो तुम्हें उतार लेना जूता और समझा देने के कौन है राइटर और कौन है प्रोड्यूसर। सॉरी सॉरी। वो तेरी बीवी से उससे नाराज है, उसे कोई गिफ्ट दे, उसने कोई काम कहा है तो वो कर। विकी अंकल सारा दिन उसी के तो काम करता रहता हूँ। शादी करना कोई आसान काम नहीं है, फुल टाइम जॉब है। हाँ ना बोनस मिलता है इस जॉब में, ना तनख्वाह मिलती टाइम पे, बल्कि हर साल कम होती जाती तनख्वाह। अरे वाह वाह, आज तो गुब्बारे वाले की किस्मत जाग गई, दोनों ने ग्लासेस खरीद लिए। ये कोई आम सस्ती ग्लासेस नहीं है, डिजाइनर ग्लासेस हैं, गुची एंड एलवी। गुची एंड एलवी, ये कौन है? ब्रांडेड चीजें हैं ये, 20,000 के लिए हैं मैंने ये। 20,000? तुमने मेरे पैसों से ग्लासेस खरीद लिए? मरो मत, तुमसे मैं एक पाई भी नहीं लूंगी। अच्छा फिर ठीक है, बड़े सूट कर रहे हैं यहाँ पे ग्लासेस जान। तुम लोगों ने कुछ नोट किया? हाँ हाँ, तुमने दांत साफ किए हैं आज? नहीं। नई शर्ट पहनी है? नहीं, 2 साल पुरानी है। तो फिर क्या, खुद ही बता दो। ऐसा करते हैं कि आप लोग नए सोफे पे बैठोगे ना तो फिर आपको समझ आएगी। ओके जुनैद, तुमने सोफे चेंज कर दिए, यू इडियट। क्या हो गया, इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही हो? पहली बार अगर जुनैद ने कोई अच्छा काम कर ही लिया है तो उसको अप्रिशिएट करो। इतने बकवास सोफे थे वैसे। बिल्कुल बकवास थे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम मुझसे पूछे बिना उन्हें चेंज कर दो। तुमने तो कहा था कि नए सोफे चाहिए, पुराने ठीक नहीं, पुराने ठीक नहीं है। लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि मुझे अभी चाहिए। तुम्हें खुश करने के लिए लेके आया हूँ मैं। उफ अल्लाह सबा, प्लीज ओवररिएक्ट मत करो आज। इसमें पैसे थे। पैसे? पैसे? वो बैग मैंने उन सोफे में रखा था। नहीं! कोई सोफे में भी रखता है पैसे? पता नहीं, मेरी कोई पैसे छुपाने वालों से दोस्ती थोड़ी है। इतनी शॉपिंग भी कर ली है, क्या करेंगे हम? हमें किसी भी तरह वो सोफा वापस चाहिए। तो पूछो ना जुनैद से। नहीं नहीं, उसको शक हो जाएगा। उफ अल्लाह, मुझे तो समझ नहीं लग रही, इतनी मेहनत से मैं लेके आई थी वो पैसे, और एक तुम हो, अब जहां से मर्जी लेके आओ। हाँ बहुत मेहनत की थी तुमने बैग उठाने में। हैं, ये विकी अंकल क्या कर रहे हैं देखो। ओए बड़े जबरदस्त सोफे यार। वेरी नाइस। भाई एक ईमान की बात बताऊं, हमारे मना करने से आपने कौन सा रुक जाना? ये नए सोफे पे बैठा हुआ जो नए सूट नहीं कर रहा। आप तो बिल्कुल उस सेल्समैन जैसे लग रहे हैं जो सोफे बेच तो सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता। यार ये तुमने लिए कहाँ से हैं? क्रीम सोफे वाले से, पुराने बेच के नए ले लिए। JDK OAK ABC सीख रहे हो क्या? ये कोड वर्ड्स हैं पंजाबी के एक मुहावरे के। कौन से? जिथे दी खोती ओथे आन खलोती। हैं? मतलब पहले जिद करी थी कि सोफा लेने, अब नया सोफा लाया हूं तो पुराना वापस ले आई है। वैसे मुझे ना लड़कियों की कुछ समझ नहीं लगती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है उन्हें।
वैसे तो मैं खुद भी एक लड़की हूँ। फाइजा बैग नहीं है इधर। पता नहीं तुमने क्या कर दिया सबा। ये क्या बात हो रही है, मुझे भी बताओ। प्राइवेट बात, कहा था ना दखल ना दिया करो बातों में। इतना ख्याल अगर तुम्हें इस प्राइवेट बात का होता ना तो कभी वो पुराना सोफा ही ना बेचता। सही कह रही हो तुम। जुनीद मैंने ना इस सोफे में एक बैग छिपाया था आयजा का। हाँ मुझे पता है, उसमें लाखों रुपए थे और अब वो बैग नहीं मिल रहा। क्या तुम्हें पता है? हाँ सोफे में से एक बैग निकला था, लेकिन वो मुझसे सलीम ने ले लिया कि मेरी गर्लफ्रेंड का है। मैं नहीं हूँ उसकी गर्लफ्रेंड। वो बैग कहाँ है? बच गए पैसे। सलीम भाई किधर है? सलीम पता नहीं कहाँ है, बड़ी देर से मैंने देखा नहीं। जी सलीम, आपका बेटा। अभी मुझे पता है कि वो मेरा बेटा है। तो कहाँ है आपका बेटा इस वक्त? मुझे क्या पता। अंकल प्लीज सोचे, हमें बहुत जरूरी काम है उससे। कुछ कह तो रहा था मुझे। क्या? तुझे पता है कि मैं उसकी बातों पे गौर नहीं करता। सलीम को ना बुरा लगा बैग चोरी करना। क्या अंकल? सलीम को ना आयजा की कोई बात बुरी लगी है। आप सोचे तो सही, वो क्या कह रहा था? कह रहा था कि मैं कहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा कि भी आती दफा नान लेते आना। कह रहा था नहीं, फिर आयजा कहेंगे कि मोटा हो गया। अंकल आपको बेकार की सारी बातें याद है, बस ये नहीं याद कि वो कहाँ गया है। सलीम को कॉल भी नहीं मिल रही। नो डायल टोन आ रही है। नहीं वो लड़की कह रही है कि ये कॉल मिलाने के लिए आपकी मौजूदा रकम ना काफी है। ओ भैया आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? मैं जी किसी को रोता देख नहीं सकता, जब मैं किसी को रोता देखूं तो मेरा अपना रोना निकल जाता है। क्या हुआ आपको? ओ यार मैं एक बैग में लाखों रुपए डाल के इधर लेके आया था, वो बैग यहाँ पे भूल गया, अब वो गायब हो गया। ओहो अच्छा, किस रंग का था? काले रंग का। नोट कैसे थे? वो जैसे होते हैं, हजार हजार रुपए के नोट थे। बैग में जिपे कितनी थी? 3 जिपे थी। आपके पास मेरा बैग है? नहीं यार, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी लाल की कमाई थी, क्योंकि बीच में लगा ली थी थोड़ी चलाकियां, लेकिन यार वो मेरे पैसे थे। हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हैं? देखो अगर मुझे बैग मिल गया ना तो सारे पैसे मैं गरीबों में बांट दूंगा। वैसे तो मैं भी आजकल काफी गरीब हुआ हूँ। आप जितने कहोगे आपको मिल जाएंगे। पता नहीं कहाँ रह गया बैग, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। सलीम फोन भी नहीं उठा रहा। रहने दो तुम सलीम को, है ही वो बोंगा। लल्ला सलीम मेरे दोस्त, कहाँ रह गया था तू? मैं बैग वाले बंदे के पास गया हुआ था। आपने बैग वापस वहीं कर दिया उसको? फिट है तेरा। इतना बेवकूफ समझा मैं मुझे। यस। वैसे मुझे पूरा यकीन था कि आप ऐसे इंसान नहीं है जो किसी दूसरे की चीज इस्तेमाल करें। आप खुद उसका बैग उठा के ले आई हैं और मुझे नसीहत कर रही हैं। हाँ हाँ ठीक है, हो गई मेरे से गलती, पर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप मेरी जैसी गलती रिपीट करेंगे। वे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो 1 रुपया नहीं है। जी कुछ कह रही नहीं आप? सत्यानाश, सारे पैसे तू वापस कर आया। बैग वापस लाने की क्या जरूरत थी? वो असल में कह रहा था कि बोलो क्या चाहिए, तो मैंने कहा बैग अच्छा है ये दे दें। सलीम अच्छा नहीं है, मैं रख लेता हूँ, लैपटॉप रख लूंगा।